हमारे तैयार जो हमने पहले तो तुम ये वीडियो देखो। तो इस स्टाइल में हम आज, मेरे को पता है ये ज्यादा प्योर हेल्दी नहीं होता, थोड़ा तलना वगैरह पड़ता है इसके लिए। जैसे हम चीट मील लेते हैं तो हम पिज्ज़ा वगैरह कुछ खा लेते हैं, बहुत रेयर जाके कभी, तो उससे अच्छा कि हम ऐसा चिकन बना के खाएं। तो आज इसी के ऊपर पूरी वीडियो होगी और ये रेसिपी हम ट्राई करेंगे। मैं फर्स्ट टाइम बनाने की ट्राई करूँगा, देखते हैं बनता कैसा है। तो मैं तुम बताऊँगा भी ईजी कैसे बनाएंगे इसको। बहुत सारी वीडियोज़ है मेरी रेसिपीज़ वाली, वो भी तुम जाके चेक कर सकते हो, चैनल पे या डिस्क्रिप्शन पे लिंक है पूरी प्लेलिस्ट। और तुम्हें बताऊंगा भी कितने ग्राम प्रोटीन है इसमें, कितने फैट, कितने कार्ब, सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें। तो वीडियो का एंड तक देखो। पहले थोड़े से मेरे को एग्स लेके जाने हैं, मेरे रूम में एग्स है तो एग्स लेके जाने हैं नीचे, फिर चलते हैं। चिकन मैं ले आया हूँ रॉ और तुम बताता हूँ आगे कि क्या क्या होगा, ढंग से तुम देख लो पूरी वीडियो। ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे हमसे मिलर सा। इस वाले किचन में नहीं बनाने देते क्योंकि मेरे दादी वगैरह मना करते हैं यहाँ पे चिकन खाने को, तो हम निचले वाले फ्लोर के किचन में जाके बनाएंगे चिकन। किचन में जाके चिकन, सही राइम है, ठीक है। तो चलो चलते हैं यहाँ पे बनाएंगे। सारा सामान मेरे पास है यहाँ पे, तो कौन सा ये तुम्हें कहीं मिल जाएगा, ठीक है। और ये चिकन ब्रेस्ट, ठीक है, और ये सारे मसाले और ये एग्स, जैसे कि मैंने तुम बताया ऊपर नहीं बनाऊंगा मैं, इस वाले किचन बनाएंगे। ईजी है, ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये चिकन ब्रेस्ट ली है और इसको साफ किया हमने पानी से, और इसमें सारे मसाले ऐड किए हैं। ये हल्दी और ये मिर्च और ये चिकन मसाला और ये धनिया पाउडर, तो हमने साफ करके ये मिलाया इन सब में, इस मतलब चिकन ब्रेस्ट में। तो और कुछ हमने किया नहीं एक्स्ट्रा, और इसको मैरिनेट किया है 15 मिनट तक के लिए। गाइज ये है ब्रेड क्रम्स का चूरा, ठीक है। ये बनता कैसे, तुमने 4-5 स्लाइस ब्रेड के खुला करके उसको फ्रिज में रख देना है, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, फिर तुम ऐसे चूरा बना सकते हो उससे, ठीक है। और हमने अभी कुछ मिली है एग्स ली है जो कि अभी कच्चे हैं, ठीक है, और चिकन ब्रेस्ट और ये कॉर्न स्टार्च ये ली है। तो बस अभी बनाते हैं, धीरे धीरे तुम्हारे साथ ही होगा सब कुछ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो गाइस अभी हमने कुछ नहीं है, तेल रखा है गर्म करने को, सरसों का तेल, और तब तक हम अपने एग्स तोड़ लेंगे, अपने नहीं मतलब मुर्गी के थोड़ा फ्रेंड भी हो जाते हैं, मतलब हाफ के जी चिकन है ये, ठीक है, आधा किलो चिकन ब्रेस्ट। तो हम 4 अंडे लेंगे, बाकी देखते हैं आगे उसके हिसाब से, पर अभी 4 लेंगे। और सच बताऊँ तो मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था और मैं एक हफ्ते से जिम भी नहीं गया हूँ, कल से जाऊँगा। मेरा ही हो जाता है, जब बढ़िया वीडियो रेगुलर डालता हूँ तो बीमार जाता हूँ, फिर जिम भी छूट जाता है। तो अभी देखते हैं आगे। तो गाइस अब नमक डालेंगे थोड़ा सा, बहुत कम डालना क्योंकि चिकन में हमने डाल दिया। अब तुम ये सारी चीज़ें मैं क्वान्टिटी नहीं बताऊँगा कि कितना डालना, बस मैं तुम्हें ये बता दूंगा कितने ग्राम में हमको क्या टेस्ट मिलेगा और कितना प्रोटीन मिल जाएगा, फैट वगैरह सब कुछ बता दूंगा एंड में। तो वीडियो का एंड तक देखो। गाइस ये लेमन जूस है, इस कॉली में लिया हमने छोटा सा, थोड़ा सा मतलब, इसको तुम इसमें चिकन ब्रेस्ट में डाल देना, तुम स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और अब ये हमने यहाँ पे एग्स डाले हैं, जल्दी से बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखो, छोड़ के मत जाना। गाइस ये है चिकन ब्रेस्ट रॉ और ये है एग का वो, और ये कॉर्नस्टार्च और ये ब्रेड का रोस्ट चूरा वाला, ठीक है। देखो ऐसे मिक्स कर देना एंड में, जब तुम 15 मिनट मैरिनेट करके रख दोगे इसको, उसके बाद तुम्हें सिर्फ एक ऐसे उठानी है चिकन ब्रेस्ट, उसको एग्स में ऐसे पूरा डुबा देना है, ठीक है। डुबाने के बाद तुम्हें इसमें लपेटना है, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा पर ठीक है, एंड रिजल्ट देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें पूरा इससे ढक देना है उसको, ताकि वो क्रिस्पी बन आए, ठीक है। और उसके बाद सीधा कढ़ाई में ऐसे तुम्हें लगातार करना है हर पीसीज के साथ, और उसके बाद तुम्हें 2 मिनट तक ही करना है इसको। मैं तुम्हें एंड रिजल्ट बताऊंगा कितना अच्छा आया या नहीं आया, ठीक है, तो तुम देखो बस। जैसे ये इतना सा हो जाए तो निकाल देना है तुम्हें, थोड़े से गंदे जाएंगे तुम्हारे हाथ, तुम ग्लव्स ले सकते हो अगर तुम बहुत वो हो तो, अगर नहीं लेने होंगे तो मत लेना, अच्छे से हाथ धोके ट्राई कर लेना। इसको हम 2 बार फ्राई करेंगे, अभी एक बार हुआ, ठीक है। तो गाइस देखो अभी जैसे हमने एक बार फ्राई किया इसको,
तो ये अभी चिकन पका नहीं है, ठीक है, तो हम इसको दूसरी बार फ्राई करेंगे सीधा डाल के। दो ढाई मिनट तक टूथपिक से चेक करके देख लेना कि वो पका है चिकन या फिर नहीं। ये तुम डालना है, तो गैस देख लो फ्लेम तुम्हारी मीडियम होनी चाहिए वरना ये बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। उसको लगातार हिलाते रहना, ठीक है। देखो मैं थोड़ा कुकिंग में कच्चा हूँ, ठीक है, इतना मेरे को ज़्यादा आता नहीं है, पर मेरे को ऐसे चुल हो जाती है कई बार कि बनाना है तो बनाना है, फिर हम ट्राई कर लेते हैं रेसिपीज़। और वैसे मेरे को रेसिपीज़ और एक मेरे को इंस्टाग्राम पे कोई बंदा है, मैं तुम्हें नाम बताऊँगा जब उसकी रेसिपी ट्राई करूँगा, उसने बताया था चिकन पास्ता ऐसे ईजी होता है, पर मैं चिकन पास्ता अभी नहीं बनाया मैंने कभी, पर ट्राई करेंगे चिकन पास्ते वाली रेसिपी, वो भी बना के देखेंगे। तुम ऐसे टैप करके लेना, मतलब सॉफ्ट होगा तो समझ लेना पक गया है, ठीक है, अभी निकल, ठीक है, और इसको बाहर निकाल देना, ठीक है। सॉस नहीं बनाई हमने ऐसी, नॉनीज और सॉस तुम ले सकते हो या तुम वैसी चटनी बनाना चाहो तो वो भी तुम बना सकते हो खुद से। तो गाइज ये हो गए हमारे तैयार, जो हमने बनाना सोचा, देखो हमने पहली बार ट्राई किया बनाना तो ऐसे ही बने, अब खा के बताते हैं कैसे बने, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेरे को बताया कि जिम वाला हूँ मैं, मेरे को ज़्यादा तला हुआ ऑयल नहीं खाना चाहिए, बट ठीक है, मैं इतना भी हूँ फिटनेस वो नहीं हूँ, मेरे को कंपटीशन वगैरह प्रेप रूप करना है कुछ, मैं नॉर्मल फिट रहता हूँ और थोड़ा कभी कभी हम इन्जॉय भी कर सकते हैं, ऐसे मैं डाइट कोक पीता हूँ पर मेरे को मिली नहीं तो यही मिली तो करके। और बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चिकन है इसमें प्रोटीन तो है ही, ऐसी बात है इसमें प्रोटीन नहीं है, और माना थोड़ा सा ऑयली है पर तुम कभी कभार इसको खा सकते हो। मैंने तो बता दिया एक रेसिपी, बनाना ना बनाना तुम्हारी मर्जी है, खाना ना खाना ये है। मेरे काम था एक अच्छी सी टेस्टी चिकन रेसिपी देना, तो मैं दे चुका हूँ। चीज मेरी फेवरेट ड्रिंक है वैसे कोक, सच में बहुत मेरे को सबसे ज़्यादा कोक ही पसंद है पीना। अच्छा तुम सेम नहीं खा सकते तो पिज़्ज़ा बर्गर से अच्छी चीज़ मिली तो यही है, चीज़ मिल भी क्या है बस यही है। तो गाइस मैंने टेस्ट तो तुम बताया नहीं, टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका, अब मेरे को जो वीडियो में था उसका पता नहीं कैसा था पर इसका काफ़ी अच्छा है। हाफ के जी चिकन ब्रेस्ट थी, ऑलमोस्ट हम सारी खा गए, मेरे मामू ने जो कम खाया मैंने खाया, मतलब 400 ग्राम तो मैंने खाया होगा। आई होप वीडियो से एक नई चीज़ मिली होगी रेसिपी तुम्हें, मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लगे रहो, कल से जिम जाएंगे, एक हफ्ते से नहीं हो, बाय।